नमस्कार, आप देख रहे हैं MSI न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त मौजूद हैं इटावा जनपद में, जहां आप देख सकते हैं यहां पर मॉडलिंग शो का कार्यक्रम चल रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक भाई उपस्थित हैं, जानेंगे किस तरीके से इस मॉडलिंग शो का ये कार्यक्रम होता है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये क्या नाम है आपका? शहीद खान। किस तरह का ये जो कार्यक्रम चल रहा है मॉडलिंग शो का, इसमें किस तरह का क्या होता है? इसके अंदर मॉडलिंग शो के अंदर आप लोग का रनवे होता है एंड आप लोग के अलग अलग अटायर्स हैं, उसके आप थीम्स होती हैं, जैसे कि आप लोग का एथनिक राउंड है, शेरवानी साथ में, लड़कियों का आप लोग का लहंगे साथ में है, मतलब फंकी राउंड होता है, आपका फेस स्टाइल कपड़े पहनते हैं लोग, एंड आप लोगों का इनफॉर्मल राउंड होता है, फिर आपका फॉर्मल राउंड होता है, आपको सूट पहनते हैं, लड़कियाँ पहनती हैं गाउन, एंड आप लोग उसमें ग्रूम कराया मैं इसके ग्रूम बनूँ, कोरियोग्राफर उस शो का मैं, एंड दीप साचार एंड ट्विंकल कपूर एंड एक और इसके जो हैं जज हैं शो के। एंड ये इसलिए हो रहा है यहाँ पे इटावा के छोटे शहरों में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यूपी का जो फैशन लेवल का स्तर है वो हल्का बढ़ाएं हम लोग, एंड बच्चे पहले दिल्ली आता है, मुंबई आता है अपना फैशन शो करने के लिए, हम चाहते हैं कि यूपी का फैशन शो इतना बड़ा कर दें लेवल कि बच्चा यहीं पर अपने छोटे छोटे शहरों के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिले एंड उसको मिले, क्योंकि हीरा हर जगह है लेकिन तराशने की जो है उसको ज़रूरत है, तो उसको तराशेंगे इंशाल्लाह और उसको अपने जो फैशन शो का स्तर ऊपर लेके जाएंगे यूपी का। तो जो बच्चे हैं इटावा के या अन्य शहरों के लोकल जो गाँव के, तो वो आप तक कैसे पहुँचेंगे? आपका जो कोई ट्रेनिंग सेंटर होगा इटावा में? तो हम लोग का जो है यहाँ पे फैशन अलग अलग शोज़ हो रहे हैं हम लोग के, एंड अब जब भी जैसे फरमान यहाँ का इटावा का पकड़ा हुआ है, ऐसे अलग अलग हरदोई के हम लोग के अलग पकड़े हुए हैं एंड लखनऊ के अलग करा रहे हैं, ऐसे छोटे शहरों के अलग पकड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग के बैनर छपते हैं, अखबारों में आती है, लोगों के इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक हथियार आज के टाइम पे प्रमोट कर पब्लिक करने का, एंड उससे आप लोग प्रमोट करेंगे एंड फैशन शो के बारे में पता चलता है लोगों को, एंड फिर हम लोग आते हैं ग्रूम करते हैं जाके शहरों के, जैसे मैं लखनऊ का हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पर प्रमोट करने आया हूँ मैं लखनऊ में, एंड हम लोग करेंगे यहाँ पे एंड इंशाल्लाह फिर उसके बाद बढ़ेगा, लोग से आए हैं, अलग शहरों से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, लोग दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, आगरा से आए हैं, कानपुर से आए हैं, बरेली से आए हैं, तो उससे क्या है आपका कि सब लोग मिले हैं, सीखने को मिला है बहुत सारे लोगों को एंड इससे जो है हम लोग मॉडलिंग शो यहाँ पर करा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो फैशन शो का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा यहाँ पर, और देखेंगे किस तरीके से ये जो कार्यक्रम है वो होता है। और फिलहाल आप यहाँ जो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर और ये जो मंच है ये सजाया जा रहा है, और इसी मंच पे जो यहाँ के जो बच्चे हैं जो बाहर से आए हुए हैं इटावा से और अन्य शहरों से, दिव्यापुर से और ऐसे अन्य कानपुर से, ऐसी बड़ी बड़ी छोटी सिटी हैं जहाँ से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर किस तरीके से जो मॉडलिंग शो का जो कार्यक्रम है वो होगा अब वो देखने को मिलेगा। फिलहाल एक भैया और है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या कहना चाहते हैं आज जो कार्यक्रम? आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है वो 13 मार्च को हो रहा है, हमारा ये मॉडलिंग का शो है मिस इंडिया स्टार आइकन सीजन 2, जबकि हमारा श्रीराम वाटिका में हो रहा है, इसमें बाहर के कंटेस्टेंट आए हुए हैं 40+ जो हमारे मॉडल सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस में, तो आज यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं अपने इटावा शहर में। अच्छा, जो आप ये जो ट्रेनिंग देते हैं तो कौन सा आपका ट्रेनिंग सेंटर है जो बच्चे आप तक पहुँच सकते? हमारा जो सेंटर है वो हमारा FK एंटरटेनमेंट है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वगैरह, आपको हर जगह ये हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और जो हमारा न्यू जो टैलेंट रहते हैं, न्यू जो बच्चे रहते हैं उनको हम आगे पहुँचाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल मॉडल ऑलरेडी प्रोफेशनल होते हैं, तो हम लोग जो न्यू मॉडल्स आते हैं जो जिनको कुछ नहीं नॉलेज होता है तो हम लोग उनको ट्रेन करते हैं और अच्छे लेवल परफॉर्म कराते हैं। अच्छा, जो आप बच्चे ट्रेंड करते हैं फिर उनको कहाँ तक लेकर जाते हैं, किस तरह के उनके प्रोग्राम रहते हैं? अभी आपने देखा है कि अपने इटावा में तो इतने शो नहीं हुए हैं, बट हमारा जो उद्देश्य है कि छोटे से शहर में एक बहुत बड़े लेवल का इवेंट कराएं, और जो बच्चे जो लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो उनका जो इतना जरिया होता है, पहले वो कानपुर जाएंगे, फिर देन उसके आगे लखनऊ जाएंगे, देन उसके बाद दिल्ली जाएंगे, देन उसके बाद बॉम्बे जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने इटावा छोटी सिटी से सीधा बॉम्बे तक उनको प्लेटफॉर्म कराएं, बॉलीवुड में काम कराएं, वेब सीरीज में काम दिलाएं, एंड जो हमारे एल्बम वीडियोज़ होते हैं एंड मूवी शूट होती है एंड एड शूट होते हैं एंड पोर्टफोलियो शूट होते हैं, मैगजीन शूट होते हैं, कैलेंडर शूट होते हैं और बहुत सारे शूट होते हैं, तो हम सीधा एंट्री से उनको उसमें कराएं। जो आप इस शो में जो बच्चे आपके जो सिलेक्ट होंगे तो उनको किस तरह का जो आगे चल के जो बेनिफिट मिलता है वो क्या? जी, हमारे शो में अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड टॉप 5 रहते हैं उनके लिए जैसे ट्रॉफी हो गया, शैशे हो गया, मोमेंटो हो गया एंड वेब सीरीज़ हो गया और मूवीज़ वगैरह में वर्क हो गया एंड टीवी सीरियल्स ऐड हो गए एंड टीवी सीरियल्स हो गए एंड बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कैश प्राइज होता है एंड वाउचर्स रहते हैं, जो बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं जो उनको प्रोवाइड होते हैं, और जो नहीं भी विन करते हैं शो उनके लिए भी शैशे हो गया, मोमेंटो हो गया, ट्रॉफी हो गया एंड कैलेंडर शूट हो गया एंड पोर्टफोलियो शूट हो गया एंड बहुत उनके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। और हमारा जो रियलिटी शो अपकमिंग शो हमारा जो है रियलिटी शो एक टीवी वे हम लोग शो कराने वाले हैं, जैसे लाइक आपने बहुत बड़े बड़े इवेंट देखे होंगे, टीवी सीरियल वाले शो देखे होंगे, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं बच्चों को कि उनको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हों।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ किस तरीके से जो मॉडल्स हैं वो यहाँ कुछ ही समय बाद यहाँ पर आएंगे और किस तरीके से इस शो का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होता है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं और किस तरह का ये कार्यक्रम होता है ये देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल एक भैया और है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? सक्षम वर्मा। आप यहाँ पर पहुँचे हैं मॉडलिंग शो के कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हो, किस तरह का ये कार्यक्रम है? काफ़ी अच्छा है और बेनिफिशियल है सबके लिए, मतलब एक तरह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है जी। तो उसमें सबको मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ पहले कहीं ट्रेनिंग दी गई हुई उसी के बाद तो आप जी जी हमें ग्रूमिंग क्लास दी गई थी हमारे सर है, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को सिखाया था, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग को। दो मॉडल्स हमारे साथ और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम दृष्टि राजपूत है और मैं दिल्ली से आई हूँ जी। यहाँ जो आज कार्यक्रम है इटावा में आप पहुँची हैं, तो किस तरह की आपकी जो ट्रेनिंग रहती है? हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी गई है बिकॉज हमारे सर ने कराई है, साहिल खान सर ने जी। जो ये जो मॉडलिंग का जो कार्यक्रम होता है इससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलते हैं? बहुत बेनिफिट मिलता है सर, बच्चा अपने करियर में आगे बढ़ता है और बहुत सारी नॉलेज मिलती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपका क्या नाम? मेरा नाम निशा चौधरी है जी। किस तरह का ये जो कार्यक्रम है, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ सर। दिल्ली से आप इटावा पहुँची हैं, तो दिल्ली में भी इस तरह के जो ट्रेनिंग सेंटर होंगे वहाँ से आपने? जी बिल्कुल, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इटावा में एक्चुअली मेरा ये दूसरा टाइम है बिकॉज इसका जब पहला सीज़न हुआ था तब भी मैं आई थी, तब भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और ये इस बार दूसरा सीज़न है, तो इस बार फिर से मैंने दोबारा से पार्टिसिपेट किया इस उम्मीद में कि शायद कुछ यहाँ से कुछ अपने नाम करके लेके जाऊँ। और उसके साथ ही सब काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखने को मिलती हैं, जैसे जो हमारे ग्रूमर्स होते हैं ना उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इस बार जो हमें ग्रूमर मिले थे उनका नाम है साहिद खान, तो उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को ग्रूम किया है और जितनी हम लोगों में कमियां रह गई थी शायद वो उन्होंने पूरी तरह से शायद हमें और सिखाने की कोशिश करी है। बाकी मैं कितना समय हो गया अब तक आपको सीखते सीखते? सीखते सीखते ज़्यादा कुछ वक्त नहीं हुआ, बस ये है कि जितना सीखते हैं हम शायद उतना कम रहता है, हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्या उम्मीद है आगे चल के, इससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है? उम्मीद सर ये है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना कुछ बेनिफिट्स भी देखते हैं, हर इंसान देखता है बेनिफिट, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा नाम हो, एक पहचान जो मिलती है अपने अंदर, थोड़ा सा एक वो करियर फोकस मैं बनना चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को बहुत फोकस करूँ कि मुझे जो चीज़ मुझे अचीव करनी है वो मैं अचीव करना चाहती हूँ। क्या नाम है भैया? अभय ठाकुर, आई लिव इन इटावा। कहाँ से आए हैं? इटावा से। इटावा से। तो किस तरह का आपको ये कार्यक्रम मिला है, पहली बार आए क्या? नहीं, मेरा ये सेकंड मतलब मैं पहले भी कर चुका हूँ ये सेकंड। जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से आपका ट्रेनिंग मिलती होगी पहले आपको? हाँ, सर ने जाहिर खान सर ने दी थी, बहुत ही अच्छे से सिखाया गया एक एक चीज। सर ने ये भी बोला था अगर कोई चीज मतलब रह जाती है वो आप फिर से मतलब पूछ सकते हो दोबारा बिना डाउट। बड़े प्यार से सिखाया सर ने एक एक चीज, गलती छोड़ी डाउट भी बताए थे सर ने, बड़ा प्यार से सिखाया था। तमाम बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं इस दौरान, क्या कुछ कहने से। भैया क्या नाम है? मेरा सुमित कुमार सागर, मैं मथुरा से हूँ, डिज़ाइनर हूँ, अभी मेरा बुटीक खुलने वाला है मथुरा में, क्वींस ऑफ मथुरा के नाम से, ठीक है। तो क्या लग रहा है जो मतलब आप डिज़ाइनर हैं, एक तो जो बच्चे यहाँ इस तरह का जो ट्रेनिंग करते हैं सीखने के बाद इतने बड़े मंच पर पहुँचते हैं, तो किस तरह के आप डिज़ाइनर हैं? हम दे जाते हैं कि बच्चे अच्छे से यूनिक चीज़ें पहने और आगे इंडिया को दिखाएं, हम और देशों से पीछे नहीं हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं उन देशों से जो काफ़ी अपने आप को ऊपर समझते हैं कि हाँ हमसे भी अच्छा कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं बच्चे भी ये चीज़ सीखें कि हम भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि हमने अपने शो बुटीक का एक टाइटल रखा है जैसे खुद को खुद से निहारना, एक मिनर में अपने आप को देखते हो तो मिनर खुद कहता है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को जगाओ, तो यही चीज़ है कि हम अपनी ड्रेसों से लड़कियों को लड़कों को यही सिखाते हैं कि वो अच्छे से सीखें और पहचानें अपने आप को अंदर से। क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन है, मैं पुणे से हूँ, मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ जी। तो किस तरह का कार्यक्रम है और इससे क्या बेनिफिट बच्चों को मिलते हैं? तो यहाँ से प्लेटफॉर्म मिलेगा एक बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा और उन्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा और मॉडलिंग करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। जो नए बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मॉडलिंग कार्यक्रम के लिए? तो बस क्या होता है कि अभी उनकी फर्स्ट स्टेज है, तो यहाँ से हार या जीत मैटर नहीं करता है, उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तो अगर वो हारते हैं तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि कहाँ वो लैक हो रहे थे और उन्हें और क्या फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए कि वो भी आगे जा करके
किसी बड़े शो के विनर बन सके। तो आप यहाँ पे दिल्ली से आई हैं? एक्चुअली मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड? बेसिकली मेरा होम टाउन जो है नागालैंड है। एक्चुअली ये खुशहाल एंड हेयर मेकअप एकेडमी जो है हम लोग का मतलब यहाँ इटावा में भाटाना चौराहे में ओपन हुआ है, विशाल मेकअप मार्ट के सामने में, है ना जी। तो जेन्युइनली हम लोग मतलब उसमें एकेडमी भी है, सैलून भी है, मतलब सिखाता भी है, जैसे कि मेकअप सिखाता है, जैसे कि हेयर स्टाइलिंग है या सैलून का सर्विस है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्यूटी ट्रेनिंग है, ये सब चीज़ें, नेल एक्सटेंशन, ये सब चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या नाम है? हंसला। तो वैसे यहाँ पे हंसा हंसा बुलाते हैं, वैसे मेरा फुल नेम है हंसला। इस जगह जो मॉडलिंग शो है, हाँ। क्या मतलब आप क्या मतलब ऑर्गेनाइजर हैं क्या? हम ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, हम मतलब मेकअप जो है हम लोग के ऑर्गेनाइजर करते हैं बस। मेकअप के ऑर्गेनाइजर हैं? हाँ हाँ। तो इसके अलावा और भी आप नेशनल इंटरनेशनल शो भी मतलब आपने? बेसिकली हम लोग जेन्युइनली जैसे कि आउट में क्या होते हैं, जैसे कि ये क्या बोलती हूँ हम लोग मतलब सॉरी आउट ऑफ सिटी में हम लोग क्या है, जैसे कि शूट से, जैसे कि ये जो शूट से होता है सीरियल का या जो भी है हम लोग वैसे भी जाते हैं। ओके, एग्जांपल ये नेटफ्लिक्स में जो आती है ना जी जी, वो सब चीज़ें हम लोग मतलब फिल्म लाइन में भी मेकअप। फिल्म का मैम नाम जैसे कि एक्चुअली अभी ये रिसेंटली मतलब वेब सीरीज का हो रहा है, अभी रिलीज नहीं हुआ तो हम लोग अभी नाम नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब रिलीज होंगे तो नहीं इट्स ओके कि हम लोग बता सकती हूँ, लेकिन हाँ अभी वेब सीरीज रिलीज नहीं हुआ तो हम लोग नहीं बता सकते। आई एम वेरी सॉरी, ये तो नहीं बता सकती है ना, ये तो हम लोग का मॉडलिंग शो का उद्देश्य ये है कि अभी हम लोग यूपी के हर सिटी में टैलेंट निकालना चाह रहे हैं, तो फरमान का वही हम लोग यही टारगेट कर रहे हैं, फरमान वही चीज़ लेके चल रहा है। अभी फरमान ने फरुखाबाद में भी कराया था इससे पहले, इसके बाद हम लोग इटावा लेकर के आए। तो इस तरह से हम लोग हर सिटी में जहाँ पे जिन सिटी के बच्चों को या फिर लखनऊ या फिर लखनऊ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर मुंबई जो ट्रैवल करना पड़ता है इससे, तो वो अगर शुरुआत उनकी उनके सिटी से होती है तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल अलग होता है। तो इसलिए हम लोग का मकसद ये है कि अपना यूपी फैशन इंडस्ट्री में ग्रो करे और हर सिटी से हम लोग टैलेंट निकाल के लाएँ और उनको आगे तक प्रमोट किया जाए। सर इस शो में कहाँ कहाँ से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? इटावा के भी हैं और भी दूसरे सिटीज़ के हैं। सर यहाँ से अगर बच्चे जीत जाते हैं, अगर विनर बन जाते हैं, उसके लिए क्या आप कुछ देंगे फैसिलिटी? बिल्कुल, इसके बाद फिर हमारा यूपी लेवल का शो होता है, इसके बाद में हम लोग एक रियलिटी शो भी प्लान कर रहे हैं। रियलिटी शो में भी उन बच्चों का जो भी ग्रूम हो करके हम, मेरा इसमें ये वो नहीं है कि जो विनर रहेगा वो उसमें जाएगा, जो अच्छा सीखेगा, हो सकता है कि हमारे फैशन शो के हिसाब से कोई विनर दूसरा हो, मॉडलिंग दूसरी चीज़ हो गई, रियलिटी शो में हमें शायद दूसरी चीज़ चाहिए हमें, तो वो सारे कंटेस्टेंट के पास चांसेस हैं कि हमारे रियलिटी शो में उसमें से सेलेक्ट होगी कौन से बच्चे जाते हैं। सर अच्छा, अगर प्राइस भी कुछ रखा गया, अगर विनर बनने पर कुछ प्राइस है क्या? कैश प्राइस फरमान बताएंगे? नहीं, कैश प्राइस कुछ नहीं है, हम लोग मोमेंटो दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर आगे की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम लोग की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड होंगी आपको बच्चों को।